Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपको चिकन पकोड़ा बनाने का तरीका बताती हूँ। मैं ले रही हूँ 4 पाउंड चिकन थाई, जिसके मैंने 3 पीसेस किए हुए हैं। इसमें मैं डालूँगी काली मिर्च पीसी हुई 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पीसी हुई, 1/2 टीस्पून क्रश मिर्च और 6 लहसुन के पीस। गरम मसाला जो मैं डालूंगी वो है थोड़े से लौंग, 3 पीसेस दालचीनी के, साबुत काली मिर्च थोड़ी सी, 2 बड़ी इलायचियाँ और 3 छोटी इलायची और 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। चिकन के ऊपर जो कोटिंग करनी है उसके लिए मैं ले रही हूँ 7 टेबलस्पून बेसन के, बिल्कुल थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी ही लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और ज़रा सा बेकिंग सोडा। सबसे पहले पतीले लेकर उसमें चिकन डाल लें। चिकन के साथ ही नमक, लाल मिर्च पीसी हुई, क्रश मिर्च, लहसुन, काली मिर्च पीसी हुई डालकर चिकन को पकने के लिए रख दें। जब तक चिकन पक रहा है तब तक हम चिकन के ऊपर जो कोटिंग करनी है उसको हम तैयार कर लेते हैं। बेसन लेकर उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पीसी हुई और थोड़ा सा ही नमक डाल दें और साथ ही 1/2 टीस्पून ज़ीरे की और बिल्कुल ज़रा सा बेकिंग सोडा डालकर इन सब को थोड़े से पानी के साथ मिक्स कर लें। अब मैं 10 मिनट के बाद चिकन को चेक कर रही हूँ और काफ़ी हद तक चिकन गल गया है। इसमें अब हम गरम मसाला डाल देंगे और इसको अच्छी तरह गलने देंगे। अब देखें चिकन बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम चिकन को फ्राई करेंगे। कढ़ाई लेकर उसमें ऑयल डाल दें। जब थोड़ा सा ऑयल गर्म होता है तो उसमें चिकन को बेसन में डिप करके ऑयल में डाल दें। We'll be right back.
देखें बेसन का कलर हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब इसको डिश में डालकर सर्व करें। अल्लाह हाफिज़।